बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, जिसको डी मॉस्फेट भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन समझेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व समझेंगे। तो पहले आइए देखते हैं मॉस्फेट कहते किसको है। MOSFETs से बनता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी कंपेयर टू BGT इट कैन बी मेड वेरी स्मॉल। सो सबसे बड़ी इसमें खूबी यह है कि इसको हम बहुत स्मॉल बना सकते हैं और इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया इन द IC चिप। सिंस डिजिटल सर्किट्स कैन बी डिजाइन यूजिंग MOSFET विद इसेंशियली नो रेजिस्टर्स और डायोड्स रिक्वायर्ड, हाई डेंसिटी VLSI सर्किट यानी लो डेंसिटी इंटीग्रेटेड सर्किट इंक्लूडिंग माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरीज कैन बी फैब्रिकेटेड। सो स्मॉल साइज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। अब इसके टाइप्स देखिए, हमने जो FET पढ़ा है, JFET एक टाइप तो वो है। FET के थ्री टाइप्स ऑफ FETs हैं। JFET है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब MOSFET हम पढ़ेंगे और उसके अलावा एक है MESFET। MOSFET के भी दो टाइप हैं, एक है डिप्लीशन टाइप और एक है एनहांसमेंट टाइप। अब डिप्लीशन की मायनी अगर आप समझ लें तो इसको समझने में आसानी होगी। मायनी डिप्लीशन का ये होता है कि रिडक्शन इन नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी जगह से किसी चीज़ को निकाल लेना, कम हो जाना उसका, उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। तो वो हम आगे देखेंगे इस सर्किट का। और जाहिर है एनहांसमेंट उसका उल्टा है कि उसके ज्यादती अगर हो जाए किसी चीज़ की। अब जो MOSFET हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड, ये देखिए ये इसके तीन मेटल्स हैं, यानी गेट पे भी मेटल लगा हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है, यहाँ पे भी मेटल लगा हुआ है, ये मेटल लगा हुआ है, सबस्ट्रेट पे भी मेटल लगा हुआ है। लेकिन मेटल्स क्या, अब यहाँ पे जो देखिए कनेक्शन, इसका गेट जो है वो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, गेट और ये जो सिलिकॉन है एन या पी टाइप, उसके दरमियान एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ग्लास है इसके, शीशा जो सिलिकॉन है। और अब यहाँ इस वाले को देखें, ज़रा क्लियर है, वैसे तो यहाँ पे भी क्लियर है कि इन दोनों एन टाइप के दरमियान ये पैसेज है, चैनल इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी चैनल है। तो इस चैनल की विड्थ को कम या ज़्यादा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये आ गया जी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल फॉर ड्रेन सोर्स एंड गेट इस पे लगा हुआ है, ऑक्साइड जो है ये जो इंसुलेटर है ये ऑक्साइड है, और सेमीकंडक्टर इसके बीच में पी और एन टाइप जो है ये सेमीकंडक्टर्स है। MOSFET differs from JFET, here the gate is insulated from the channel। तो एक तो हमने देखा था कि इसका साइज, और दूसरी एक चीज़ जो है वो ये गेट इंसुलेटेड है, यहाँ पे बीच में इंसुलेशन है, और इसके वजह से इसके हम आगे देखेंगे कि इसके इम्पीडेंस बहुत हाई हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस। अच्छा, एक इसके और भी नाम है, उसको कहा जाता है इंसुलेटेड गेट FET इंसुलेशन की वजह से, या इसको IGFET भी कहा जाता है। और ये जैसे मैं बता रहा था कि इट इज़ द इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन MOSFET कंस्ट्रक्शन दैट अकाउंट फॉर अ वेरी डिजायरेबल हाई इनपुट इम्पीडेंस। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जहाँ पे हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए वहाँ डेफिनेटली आपने MOSFET को इस्तेमाल करना। टू टाइप जैसे अभी हमने देखा, एक डिप्लीशन MOSFET जो कि हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, और एक है एनहांसमेंट MOSFET, E-MOSFET। द मैनर इन विच MOSFET इज कंस्ट्रक्टेड डिटर्मिन्स वेदर इट इज़ ए डी MOSFET और ई MOSFET। तो कंस्ट्रक्शन जो है इसके प्राइमरीली वहाँ से इसको ई MOSFET और डी MOSFET कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन टाइप के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा भी इसमें फ़र्क है। डिप्लीशन MOSFET और डी MOSFET
अब जैसे ये यहाँ पे आप नेगेटिव कर भी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई भी दे सकते हैं और पॉजिटिव सप्लाई भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं जो डिप्लीशन टाइप है। द डी मॉस्फेट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लीशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड, यानी जब आप नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये डिप्लीशन मोड हो जाएगा और जब पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो एनहांसमेंट मोड हो जाएगा। तो यानी डिप्लीशन मॉस्फेट को हम दो मोड में कर सकते हैं, लेकिन जो एनहांसमेंट मॉस्फेट है उसको सिर्फ हम एक ही मोड में यानी एनहांसमेंट मोड यानी VG सिर्फ पॉजिटिव पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक फर्क है। अब आइए हम इस डायग्राम को देखें और इनको भी समझने की कोशिश करें। व्हेन VGS इज जीरो यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने जीरो कर दिया, आप सबने गेट वोल्टेज हमने जीरो कर दिया और ये वोल्टेज जो है VD इसको हमने जब पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो शुरू हो जाएगी यहाँ से और यूँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। कन्वेंशनल करंट यहाँ पर दिखाया गया है ब्लू कलर से, उसकी डायरेक्शन ये होगी। सो करंट फ्लोज इन द चैनल सिमिलर टू दैट ऑफ द JFET। तो जैसे हमने JFET में देखा था करंट फ्लो कर रही होती, यहाँ पे भी वही करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे इसके ड्रेन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ये जो है ये हमारा ड्रेन का कर्व है और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिस तरह से हमने JFET में भी देखा था। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि JFET में हम यहीं पे रुक गए थे, इससे आगे हमने कोई प्लॉट नहीं किया था, आगे हम कहते थे नो करंट विल फ्लो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जब हो गए ये पॉजिटिव वोल्टेज पे करंट विल ऑल्सो फ्लो। तो इसको हम अभी तफसील से देखेंगे। VGS इज सेट टू नेगेटिव वोल्टेज जैसे यहाँ पे दिया गया है यानी गेट टू सोर्स, तो इसके असरात क्या होंगे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करें। द नेगेटिव पोटेंशियल एट द गेट, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हमने दे दिया, पुश इलेक्ट्रॉन इनटू पी टाइप मटेरियल सो लाइक चार्जेस रिपेल। तब ये नेगेटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव्स होंगे उनको इसने पुश करना है। याद रहे कि ये इसके एक फील्ड इफेक्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्टली इन टच नहीं है, बीच में इंसुलेशन है, लेकिन इसके नेगेटिव ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है इस साइड पे जो कि पी टाइप मटेरियल के तरफ। दूसरा इसका असर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये या नेगेटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल के अंदर जो पी टाइप मटेरियल के अंदर है उसको इसने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। सो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट और होल्स राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तब जाहिर है बीच में कम्बिनेशन होंगे। अब ये कंबाइन हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये कंबाइन हो गया, तो इस तरह से कम्बिनेशन भी इसके अंदर हो गया यानी रिकम्बिनेशन इसमें होंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से समझेंगे आप 40-50% तो रिकम्बाइन हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इसीलिए हम कहते हैं जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हो गए। तो ये डिप्लीशन का जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिकम्बिनेशन हो गया। दिस विल रिड्यूस और डिप्लीट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन चैनल अवेलेबल फॉर कंडक्शन। द रिजल्टिंग ड्रेन करंट इज देयरफॉर रिड्यूस्ड, जाहिर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो गए तो ड्रेन करंट में भी कमी आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखें, अब हमने इधर से इधर जाना है कि जितने हम नेगेटिव इसको करते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं करंट, उसमें से करंट में कमी आती जा रही क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और वहाँ से कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो ये इसके जो है ना ये ग्राफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है और इस रीजन को अब हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके दूसरा कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव कर दें तो फिर क्या होगा, तो उसका उल्टा असर होना चाहिए। आइए देखते हैं इस ग्राफ में। अब जब हमने पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव ने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ इसने अट्रैक्ट करना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो जाहिर है और इस तरफ आ जाएंगे, इसको पार तो नहीं कर सकते। लेकिन इस दूसरा क्या होगा कि इस मटेरियल के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे
वो इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, यानी ये जो चैनल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हम कहेंगे कि एनहांस्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन एनहांस्ड हो गए। तो द पॉजिटिव गेट विल ड्रॉ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैरियर्स फ्रॉम द पी टाइप सबस्ट्रेट, द ड्रेन करंट विल इंक्रीज एट ए रैपिड रेट, सो काफ़ी इसमें इजाफा हो जाएगा। और उसको अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये देखिए, अब ये हम इस रीजन में आ जाएं जिसको एनहांसमेंट रीजन भी कहा जाता है। जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए तो करंट में सडनली काफ़ी इंक्रीज इसके अंदर आ गई, तो ये एनहांसमेंट मोड का काम है। इट इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल दैट शॉकलीज इक्वेशन हमने इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ, विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल फॉर द डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ द डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मोड। तो दोनों साइड पे भी ये शॉकलेज इक्वेशन अभी भी एप्लीकेबल हो गई यहाँ पे। तो आइए हम एग्जाम्पल 6.3 देखते हैं। यहाँ पे स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट के लिए, जबकि IDSS 10 मिली एम्पियर है यानी शॉर्ट सर्किट करंट, और VP जो है वो 0.4, ये ID करंट यानी ड्रेन करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट, और S होता है जब गेट वोल्टेज शॉर्टेड हो यानी ग्राउंड हो, तब इसलिए इसको IDSS कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जी ये अच्छा, इस फॉर्मूले को हमने पहले भी देखा था, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये करंट क्या हो गया और ये VG वोल्टेजेस। अच्छा, तो पहला ये होगा कि एट VGS0, जब VG0 यानी हम इस पॉइंट पे हैं, ID करंट विल बी इक्वल टू IDSS दैट इज 10 मिली एम्पेयर। तो इसको हमने ये 10 मिली एम्पेयर पे हमने एक नुक्ता लगा लिया। अच्छा, इसी फार्मूले से दूसरा क्या है कि जब VG-4 होगा, कब, जब ID0 है। ID0 कहाँ पे है, ID0 यहाँ पे, यानी हम इस लाइन पे हम ढूंढेंगे -4 पे, VP-4, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब VP/2, अब VP/2 ये पॉइंट है, VP-4 है, तो VP/2-2 हो गया। यहाँ पे ID कितना हो जाएगा, IDSS/4 यानी IDSS 10 है डिवाइडेड बाई 4, 2.5। तो हम यहाँ पे 2 पे हैं और इधर से 2.5, इनको आपस में हमने यहाँ पे मिलाना है, तो वो कुछ इस तरह से हो गया। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, और फाइनल पॉइंट जो है वो हो गया कि ID जब IDSS/2 यानी IDSS 10 है, तो ID जब 5 हो तो VG कितना होगा, 0.3 VP यानी 0.3 ऑफ -4 दैट इज -1.2। ये अब इसी फार्मूले से हम ले रहे हैं ये सारे, तो 1.2 ये यहाँ पे कहीं पर होगा। तो ये आप समझें कि ये इस तरह से इसको मिलाना, तो ये जब हमने मिला दिया तो ये हमारा चौथा पॉइंट था और ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जब अगर VP पॉजिटिव हो तो क्या होगा, कहाँ पर ये जाएगा। तो फर्ज कर लें, हम ये कहते हैं कि VP 1 वोल्ट पॉजिटिव है। अब ये तो हमने ड्रेन वाले पोर्शन के लिए या डिप्लीशन वाले पोर्शन के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन एनहांसमेंट वाले पोर्शन के लिए हमें अभी भी शॉकलेज इक्वेशन जो है उसको यूज़ करना हो। तो शॉकलेज इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दिया, VG के जगह पर हमने 1 वोल्ट पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15.63 आ गया, तो ये यहाँ पर कहीं जाके जो है ना ये पहुंच रहा है, तो ये देखिए यहाँ तक आ गया। तो अब देख रहे हैं एक इसमें काफ़ी तेज़ी से इसमें इंक्रीज हुई है, सो विच इज़ सफिशेंटली हाई टू फिनिश द प्लॉट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे और इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।